हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास सिक्स की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक वीडियो नहीं पढ़ पाए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दे देंगे, सभी वीडियो अच्छे से प्ले करके देख सकते हैं। और चैनल पर जो भी बच्चे नए अभी तक सब्सक्राइब ना किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन अलर्ट प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लिक करके उसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। शाम को लगभग 3 बजे 6 बजे मेरे वीडियो अपलोडेड का टाइम है, तो तब भी आप उस समय भी वीडियो आप प्ले करके जरूर पढ़ सकते हैं। आज की भी इस वीडियो में कमेंट लेने वाले हैं, तो क्वेश्चन एंड होने के बाद कमेंट हम शो करके जरूर दिखाएंगे। तो किस बच्चे का कमेंट जरूर आप लोग देखिए और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, आने वाले वीडियोस में आपके भी कमेंट हम लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से। यहां पे 7 क्या कह रहे हैं, यहां पर देखिए दिया कंपेयर रेशियो एंड फाइंड द लार्जर रेशियो, यानी आपको देखिए यहां पर रेशियो दिया गया, इनको कंपेयर करना है और इसमें से आपको बताना है लार्जर रेशियो, यानी लार्जर मतलब बड़ा रेशियो, बड़ा रेशियो फ्रैक्शन नंबर कौन सा है। जैसे यहां पर देखिए नंबर लिखा हो तो आप क्या लिख सकते हो, 7/9 एंड 7/4, क्योंकि यहां पर देखिए क्या दिए गए, यहां पर 7/9 लिखा हुआ और 7/4, यानी जो रेशियो नंबर था उसे हमने पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया हुआ, तो आप भी लिख लोगे बड़े इजीली तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको सिर्फ इसमें कंपेयर करना था, कंपेयर क्या, एक नंबर दिए गए आपको इसमें कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर इसमें छोटा है, यानी लार्जर और स्मॉलर आपको दोनों बताने हैं। चलिए ठीक है, बताने वाले हैं। अब देखिए मैं आपको रूल और कुछ ट्रिक्स दोनों बताऊंगा, तो दो पूरा वीडियो देखिए, इसके बिल्कुल मत करिए, क्योंकि एक एक पॉइंट्स आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से पढ़े, जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सभी एग्जामिनेशन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़े। यहां पर देखिए 7/9 7/4 है, कभी कभी क्या होता है कि डिनोमिनेटर नंबर सेम हो जाते थे, हम बड़े इजीली तरीके से कर सकते थे, लेकिन यहां पर देखिए न्यूमरेटर नंबर सेम है, न्यूमरेटर नंबर क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, जब न्यूमरेटर नंबर सेम हो, रूल हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर नंबर में से भी देख के बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, यानी लार्जर और स्मॉलर दोनों बता सकते हैं। ध्यान रखिए जब न्यूमरेटर नंबर सेम हो, तो जो 9 और 4 में से जो नंबर छोटा दिखे, स्मॉलर दिखे, तो समझिए कि वही नंबर लार्जर है, वही नंबर क्या है, बड़ा। जैसे 4 दिख रहा है, 4 छोटा नंबर है, 9 और 4 में से छोटा नंबर कौन सा है, 4 नंबर छोटा है, स्मॉलर है, तो यही नंबर क्या है, लार्जर, क्योंकि इस क्वेश्चन में लार्जर पूछा गया है कि लार्जर कौन है, तो 7/9 और यहां पर आप रिंग साइन ले दीजिए 7/4 और ये लार्जर की तरफ आप ओपन ब्रैकेट्स लगाएंगे, दैट इज द राइट आंसर, कंप्लीट हो गए। इसमें यही क्वेश्चन पूछ ही रहे कि भाई इस दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है, तो मैंने आपको रूल पढ़ाया ना, अगर न्यूमरेटर नंबर सेम हो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर नंबर से भी देख के हम बता सकते हैं, जो नंबर सबसे छोटा नंबर होगा उनमें से वही वही फ्रैक्शन नंबर ही सबसे बड़ा नंबर होगा, दैट इज अ राइट आंसर, कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये रूल आपको पता हो गया और बिल्कुल इजीली है। अब मैं आपको एक रूल और पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए सपोज करिए ये जस्ट उल्टा होता, मैं आपको एक रूल अलग से पढ़ा रहा हूं, इसमें ध्यान रखिएगा, ये अलग से रूल है। मान लीजिए नंबर ऐसे होता उल्टा, जस्ट अपोज 9/7 एंड 4/7, मान लीजिए ये क्वेश्चन होता तो कैसे करते हैं, तो देखिए डिनोमिनेटर नंबर सेम हो गए, डिनोमिनेटर नंबर सेम है तो इनमें कौन सा बड़ा होगा, तो फिर न्यूमरेटर से जो नंबर बड़ा है वही नंबर बड़ा होता है, यही ध्यान रखना है। जैसे 9/7 में देखिए 9 और 4 में से नंबर कौन सा लार्जर, कौन नंबर बड़ा है, तो देखिए 9 बड़ा है तो 9/7 ही आपका क्या है, बड़ा नंबर होगा 4/7 से, दैट इज द राइट आंसर। बस इसमें यही ध्यान रखिएगा, जब भी आपका न्यूमरेटर इक्वल हो तो जो डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होता है, स्मॉलर नंबर होता है, वही नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, एक तो ये रूल हो गया। अब ध्यान रखिए अगर नंबर मान लीजिए डिनोमिनेटर के सेम हो, तो ऊपर में जो नंबर लार्जर होगा वो लार्जर ही होगा, स्मॉलर होगा वो स्मॉलर होगा, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो आप इस तरह कर सकते हैं। एक रूल और है, वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो भी रूल समझ लीजिए कि किस रूल को हम पढ़ाने वाले हैं, अगर आपको ये डाउट्स लग रहे हो तो आप इस रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है, और इस रूल से तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखें क्या करिए, यहां पर देखिए 7/9 लिख लीजिए, ब्रैकेट तो दिया ही गया, 7/4 लिख लीजिए, आप करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 7 जाए 28, ध्यान रखिए 4 7 जाए 28, तो 28 यहां पर लिख लीजिए, ये रफली वर्क है, ध्यान रखिएगा, इसको आप फेयर में नहीं कर सकते, ये रफ में होकर ये पेंसिल से लिख लीजिए, बाद नीरज कर लीजिएगा अगर आप फेयर में कर रहे हैं, तो 4 7 जाए 28 इस तरफ लिखिए, 9 7 जा 63, ये देखिए 9 7 जा 63 ये यहां पर लिख लीजिए, और 4 7 जा 28 यहां पर लिखिए। अब 28 और 63 में से कौन सा नंबर लार्जर, आप बताइए, 63 लार्जर है कि नहीं, तो बस इसी साइड वाला क्या है, लार्जर, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज द राइट आंसर, कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल मैं इजी ट्रिक भी पढ़ा रहा हूं आपको, कैसे भी करना है,
ठीक है, इस तरह आप और आसानी से, और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे बी वाला क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करना है, 5/7 और रिंग बना लीजिए 3/4, और इसमें अब बताइए कौन सा नंबर क्या है लार्जर, तो 4/5 ये क्रॉस करिए, 4/5 20, तो 20 यहां पर लिख लीजिए, ठीक है, और इसको बाद में इरेज कर लीजिएगा, ये इरेज वर्क है, इसको बाद में इरेज करिए, पेंसिल से लिखिएगा, इरेज कर लीजिएगा, और 7/3 21, तो 21 लिख लीजिए। अब देखिए 20 और 21 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लार्जर है, तो 21 लार्जर है कि नहीं, तो इसी साइड वाला क्या नंबर है, फ्रैक्शन लार्जर है, दैट इज द राइट आंसर। कंप्लीट हो गए, बाद में इनको इरेज जरूर कर लीजिएगा। तो पहले आपको मल्टीप्लीकेशन करके नंबर नोट कर लेने क्रॉस करके, और फिर उन क्रॉस नंबर से ही आपको बताना है कौन सा नंबर लार्जर है, तो जिस साइड का नंबर लार्जर होगा उसी साइड का फ्रैक्शन भी लार्जर होगा, ठीक है। इसमें देखिए सी डी ई करके क्वेश्चन दिए गए हैं, और बिल्कुल इजी इसी तरह के क्वेश्चन है, तो इसमें से एक क्वेश्चन हम और क्लियर करा देते हैं, इसके बाद एक कमेंट ले लेते हैं, जिन भी बच्चों कमेंट है उसको हम शो करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए सी क्वेश्चन ले लेते हैं, सी क्वेश्चन और डी और ई ड्रॉप करवा दें, फिर आप होमवर्क पे कर लीजिएगा, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। देखें यहां पे क्या करेंगे, 1/2 लिख लीजिए, एंड की जगह रिंग साइन लगा लीजिए, और 5/9 लिख लीजिए। अब हमें इसमें से भी लार्जर बताने थे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें भी कर लीजिए, 9/1 9, तो 9 इस साइड लिख लीजिए, 2/5 10, तो 10 इस साइड लिख लीजिए। अब 9 और 10 में कौन सा नंबर लार्जर है आप बताइए, 10 लार्जर है कि नहीं है, तो इसी साइड का फ्रैक्शन भी लार्जर होगा, लार्जर साइन लगाइए, दैट इज अ राइट आंसर। बाद में इसे इरेज जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं इरेज करना, क्योंकि वो ट्रिक मैंने पढ़ाई है, वो आपको बाद में इरेज करनी होगी, ठीक है। इस तरह आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, डी और ई ड्रॉप करवा रहे हैं, इन्हें आप होमवर्क पे करिएगा, कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप में लिख भी सकते हैं। चलिए कमेंट ले लेते हैं जल्दी से, डी डब्ल्यू क्वीन, यहां पर नेम सो है, डी डब्ल्यू क्वीन जी ने लिखा हुआ है, थैंक यू सर, तो यहां पर देखिए उन्होंने थैंक यू सर लिखा हो, तो उनको वीडियो जो भी पसंद आए होंगे, तो उन्होंने थैंक यू सर करके कमेंट किया हुआ है, तो डी डब्ल्यू क्वीन, आप लोग नेम्स जरूर अपने चैनल्स पे जरूर लिख लीजिए, तो हम आपका नेम ही शो करके बताएंगे। डी डब्ल्यू क्वीन पता नहीं कैसे लिखा हो जैसा भी, ये पता नहीं, तो आप लोग अपने अपने जो यूट्यूब के चैनल पर पढ़ते हैं मेरे वीडियोस, उस यूट्यूब चैनल पर जाइए, तो वहां पर अपना नेम जरूर मेंशन कर लीजिए, तो नेम जो मेंशन करेंगे तो मैं आपका नेम ही अनाउंसमेंट करूंगा, तो क्योंकि जो नेम मुझे शो अगर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, हम फिर वही नेम आपको शो करके दिखाते हैं, तो आप लोग अपने अपने नेम मेंशन कर लीजिए, तो हम वही नेम फिर शो करके भी दिखा दें, तो ये भी आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा, तो जो आने वाली वीडियोज, और कमेंट करिए, कमेंट ढेर सारे करिए, मैं आपको आने वाली वीडियोज में आपके कमेंट्स बिल्कुल लेने वाला हूं, तो जिन जिन बच्चों कमेंट्स आएंगे हम उसी तरह कमेंट्स भी शो करके दिखा आने वाले हैं, ठीक है, और जिन बच्चों के कमेंट्स रह भी जाएंगे तो आने वाली वीडियोस में आपको कमेंटेड मिल जाएंगे, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।